आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ बिना अदरक लहसुन और प्याज के ग्रेवी वाली आलू मटर की सब्जी की रेसिपी। इसे आप स्पेशली व्रत में बना सकते हो, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने खसखस लिया है, इसको मैं जीरे के साथ इसका पेस्ट बना लूँगी। इससे क्या होता है कि ग्रेवी काफ़ी अच्छी बनती है बिना प्याज के भी। तो थोड़ा सा पानी ऐड करके हमने यहाँ पर इसका पेस्ट बनाना है। दो बड़े टमाटर यहाँ पर मैंने रफली चॉप किए हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख ली है गैस पे, उसके बाद मैंने दो बड़े चम्मच के बराबर यहाँ पे ऑयल ऐड किया है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे आलू को बॉईल कर लिया था, अब हमने इसको फ्राई करना है। मेरे आलू थोड़े से ज़्यादा बॉईल हो गए थे तो कढ़ाई पे चिपक रहे थे, आप थोड़ा सा हल्का ही इनको बॉईल कीजिए अगर आपने फ्राई करना है। फ्राई करके आलूओं का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मीडियम फ्लेम पर हमने आलू को थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। इसके बाद यहाँ पे मैंने इनको प्लेट में निकाल लिया था और बचे हुए तेल में हमने तड़का लगाना है सब्जी का। तो यहाँ पे मैंने सरसों ऐड कर लिया था। सरसों को अच्छे से पकने के बाद हमने यहाँ पे जो पेस्ट बनाया था वो ऐड कर लेना है। इस पेस्ट को हमने 15 से 20 सेकंड तक तेल में हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से पकाना है। इसको कंटिन्यू करछी से चलाते रहें, नहीं तो ये कढ़ाई पे लगने का थोड़ा सा इसमें डर रहता है। साथ में हमने यहाँ पे मिर्ची पाउडर ऐड कर लेना है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे कम या ज़्यादा लाल मिर्ची पाउडर का यूज़ करें, आप चाहे तो यहाँ पे हरी मिर्ची का भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे एक चम्मच के बराबर हल्दी पाउडर डाल दें। तेल के साथ इन सबको अच्छे से मिक्स कर लें। अब यहाँ पे टमाटर ऐड कर लें। खसखस का पेस्ट ऐड करने से क्या होता है ना कि बिना प्याज के भी जो सब्जी की ग्रेवी है बहुत अच्छी बनती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। बाकी मसालों में यहाँ पे मैंने एक चम्मच के बराबर धनिया पाउडर ऐड किया है और स्वादानुसार नमक ऐड कर लें। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लें। 5 से 10 सेकंड तक तेल में अच्छे से चलाते रहें इसको। अब यहाँ पे मैं फ्रोजन मटर का यूज़ कर रही हूँ। अगर आप नॉर्मल मटर यहाँ पे यूज़ कर रहे हो तो आप उसको तेल में हल्का सा पहले फ्राई कर लें। अब इनको मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लें और हमने टमाटर और मटर को पकाने के लिए यहाँ पे ढक्कन लगाकर कम से कम आधे मिनट तक हमने मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सब्जी से तेल अच्छे से छूट गया है मसालों से। अब यहाँ पे आप आलू ऐड कर लें। आलूओं को बाकी मसालों के साथ अच्छे से मिला लें। अब हमने यहाँ पे पानी का यूज़ करना है, तो ध्यान रखें यहाँ पे हमने ठंडा पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, यहाँ पे गर्म पानी ही हमने यूज़ करना है। तो आप अपने ग्रेवी आप जितना भी रख रहे हो उसके हिसाब से आप यहाँ पे पानी ऐड कर लें। अगर आप रोटी के साथ ये सब्जी बना रहे हो तो थोड़ा सा पानी कम ऐड करें, लेकिन मैं चावल के साथ बना रही हूँ तो मैंने थोड़ा सा ग्रेवी ज़्यादा रखी है। 3 गिलास के बराबर यहाँ पे मैंने पानी ऐड किया है। अब हमने हाई फ्लेम रखना है यहाँ पे। हाई फ्लेम पे हमने यहाँ पे 2 से 3 मिनट तक इसको अच्छे से उबालने के लिए छोड़ देना है। यहाँ पे अच्छे से मेरी सब्जी पक गई थी। एंड में मैंने यहाँ पे गरम मसाला ऐड किया है और साथ में यहाँ पे धनिया पत्ती भी ऐड कर ली है। तो आप देख सकते हैं सब्जी का कलर कितना अच्छा आया है, ग्रेवी भी इसकी काफ़ी अच्छी बनी है। तो रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।